हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स बाय माहिरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक फाउंडेशन का रिव्यू कर रही हूँ। आज मैं रिव्यू कर रही हूँ स्विस ब्यूटी हाई कवरेज HD फाउंडेशन का। दोस्तों इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, नायका पे भी मिल जाएगा एंड ये आपको लोकल स्टोर्स पे भी मिल जाएगा। मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया, इसीलिए मैं अमेज़ॉन का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन केस अगर आप परचेज़ करना चाहेंगे तो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। दोस्तों ये है स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज वाटरप्रूफ बेस फाउंडेशन। इस तरह की इसकी आउटर पैकेजिंग है जहां पर आपको ये सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी, हाई कवरेज एंड वाटरप्रूफ बेस फाउंडेशन, सिल्क टच क्रिएट द न्यूट मेकअप। 399 इसका प्राइस है। 60 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको मिल जाती है इसकी। दोस्तों मैंने इसे अमेजोन से परचेज किया, ये आपको फ्लिपकार्ट नायका लोकल स्टोर्स पे मिल जाएगा। अच्छे डिस्काउंट पे आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे ऑनलाइन ही परचेज कीजिए। इसका बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने जो शेड लिया है वो लिया है व्हाइट आइवरी, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, और शेड का नंबर है 01। दोस्तों व्हाइट आइवरी जो शेड है वो फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे बहुत ही अच्छे से जाता है एंड इसमें आपको टोटल 6 शेड्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको फेयर टू मीडियम एंड डस्की स्किन टोन के लिए शेड्स आराम से मिल जाएंगे दोस्तों। एंड नायका पे टोटल 4 शेड्स अभी अवेलेबल है। मुझे नहीं पता कि और बाकी अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, बट अभी आपको 4 शेड वहां पे मिल जाएंगे, मगर अमेज़ॉन पे आपको सारे के सारे शेड्स मिल जाएंगे दोस्तों। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसमें है वाटर, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल भी है दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, प्लस इसमें मिथाइल पैराबेन भी है और फ्रेग्रेंस भी है दोस्तों। एंड या अब हम देख लेते हैं ये प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन: विद डबल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर एंड प्लांट एसेंस विद बीबी क्रीम लाइक स्किन फीलिंग एंड परफेक्टली कंफर्टेबल लाइक लिक्विड फाउंडेशन कंसीलर इफेक्ट मेक्स स्किन रेडियंट एंड एंटी मैक्यूलेटल। या दोस्तों ये एक आपको बीबी क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी देता है, प्लस ये बहुत ही अच्छा लिक्विड फाउंडेशन है, कंसीलर इफेक्ट भी है, स्किन को रेडियंट इंस्टेंटली दिखाता है ये दोस्तों। डबल स्मूथ एंड सिल्की, दो द स्किन टेक्सचर स्मियर ऑन द स्किन टू फॉर्म अ ब्रीदेबल फिल्म, इंटेलिजेंट कलर करेक्शन, परफेक्ट इनविजिबल पोर्स फ्लॉ, मेक मेकअप नेचुरल ट्रांसपेरेंट, डिस्ट्रीब्यूट हेल्दी लस्टर। ये पोर्स को भी मिनिमाइज करने का काम करता है, मतलब पोर्स को भी बहुत ही अच्छे से कवर करता है दोस्तों, ये प्रोडक्ट क्लेम करता है। अब मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट जो क्लेम करता है ये कितना काम करता है, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा दोस्तों। या बाकी सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी इनर पैकेजिंग कैसी है। दोस्तों ये है इसकी ब्यूटीफुल सी इनर पैकेजिंग, काफी अच्छी ग्लास की बॉटल है ये, मगर हाँ ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है क्योंकि ग्लास की बॉटल को लेकर ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, टूट सकता है ये। अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप इसको लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग देख लीजिए, पंप की बॉटल के साथ आता है ये पैकेजिंग। इनर पैकेजिंग पे आपको उतनी डिटेल्स लिखी हुई नहीं मिलेगी, बट हाँ शेड का नंबर आपको जरूर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इस तरह की पंप की बॉटल के साथ आता है ये, प्लास्टिक की इसका कैप है। अगर आपको लेकर ट्रैवल करना है तो आप इसे यहां से ओपन करके प्रोडक्ट को किसी एम्प्टी बॉटल में ट्रांसफर करके आप लेकर ट्रैवल कर सकते हैं दोस्तों। यहां से आपका प्रोडक्ट आउट होता है लाइक दिस, एंड दिस इज द शेड व्हाइट आइवरी। एज यू कैन सी कितना अच्छा लिक्विड फाउंडेशन है ये, बहुत ही इजिली ब्लेंड होता है ये दोस्तों, ब्लेंडिंग के मामले में ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है। सो दिस इज द प्रोडक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसी कवरेज देता है दोस्तों। दोस्तों जहां तक इसकी कवरेज की बात है तो कवरेज मैं आपको यहीं दिखा देती हूं, ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है बट ये मीडियम टू शियर कवरेज देता है ये दोस्तों। तो मैं यहाँ पर फाइव पंप्स, छोटे छोटे पंप्स मैं ले रही हूँ और मैं आपको इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। बहुत ही कम प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको अप्लाई करने में लगती है दोस्तों। प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा फाउंडेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है ये, क्योंकि काफी अच्छे से ये ब्लेंड होता है और कवरेज भी ये अच्छी देता है।
हाँ ये एक बार में अच्छी कवरेज नहीं देता है, आपको कम से कम इसका दो लेयर तो अप्लाई करना ही होगा दोस्तों, तब ये आपको फुल कवरेज देगा। फिर भी आपको कंसीलर लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स को यू नो हाइड नहीं कर पाता है। यू कैन सी द कवरेज, मेरी स्किन इस हैंड पे और इस हैंड में आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा लाइट एंड व्हाइट एंड और ब्राइट एंड दिख रही है एज यू कैन सी। प्लस इसका जो इफेक्ट आता है वो बहुत ही ड्यूई लुक आता है, ये एक बहुत ही अच्छा ड्यूई फाउंडेशन है, तो ड्राई स्किन को तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगी, बट हाँ इसे ऑयली स्किन भी यूज कर सकते हैं। अच्छा फाउंडेशन है ये दोस्तों, यू नो अफोर्डेबल प्राइस में आपको एक अच्छा हाई कवरेज फाउंडेशन मिल जा रहा है, प्लस ब्रांड भी अच्छा है दोस्तों। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं एंड एज यू कैन सी माई हैंड इज लुकिंग सो लाइट एंड, आप देख सकते हैं मेरे दोनों हैंड्स में डिफरेंस, इसमें मैंने फाउंडेशन लगाया है, इसमें नहीं लगाया है। एक दो टोन ये लाइटन बहुत ही अच्छे से करता है, प्लस जब इसे आप कॉम्पैक्ट से सेट करोगे तो बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस फिनिश लुक देता है ये। ड्राई स्किन को तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगी, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, ब्राइड्स भी इसे यूज कर सकती हैं। अगर आप एक अच्छा अफोर्डेबल फाउंडेशन ढूंढ रही है तो आप इसको अपनी मेकअप किट में शामिल कर सकती हैं दोस्तों। मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट 9 out of 10 है क्योंकि ये कहता है कि ये हाई कवरेज है, तो एक बार में ये हाई कवरेज नहीं देता है, दो बार में हाँ ये अच्छा कवरेज देता है, बट एक बार में ये मीडियम टू शियर कवरेज देता है। कंसीलर आपको यूज करना ही पड़ेगा, कॉम्पैक्ट तो हम मेकअप सेट करने के लिए ऑब्वियसली यूज करते ही करते हैं दोस्तों। सो या ये बहुत ही अच्छा है, प्लस इसको लगाने के बाद आपकी स्किन काफी ज्यादा ग्लॉसी लुक देती है, बहुत ही अच्छी यू नो मैटिफाइंग फाउंडेशन नहीं है ये, आप सोचोगे कि आपको मैट लुक देगा, ये मैट लुक नहीं देता है। सबसे अच्छी इस प्रोडक्ट की बात मैं आपको बताऊं, ये आपको ड्यूई लुक तो देता ही देता है, साथ ही साथ ये जब फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है ना तो काला नहीं पड़ता है। बहुत सारे फाउंडेशन ऐसे होते हैं जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं थोड़ी देर के बाद तो वो एक टोन डार्कर हो जाते हैं, मगर इस फाउंडेशन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये एक एक टोन भी डार्कर नहीं होता है, ये जैसा का तैसा इसका मेकअप फिनिश रहता है दोस्तों। दैट्स व्हाट आई लव मोस्ट अबाउट दिस फाउंडेशन, प्लस इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल। मैं ये फाउंडेशन डेफिनेटली रिपर्चेज करूंगी दोस्तों, और मैं भी ये आपको हाईली 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 रिकमेंड करती हूं, अगर आप एक अच्छा फाउंडेशन चाहते हैं तो इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू, एंड या मैं आपको फ्रेग्रेंस बताना भूल गई, फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ज्यादा माइल्ड है, मतलब बहुत ज्यादा क्या, बहुत ही ज्यादा लो फ्रेग्रेंस है जो कि थोड़ी देर के बाद चली जाती है, फ्रेग्रेंस इसकी आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी दोस्तों। सो दोस्तों ये था रिव्यू, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू, आई होप आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप मेरे हर नए वीडियो सबसे पहले देख सकें, नोटिफिकेशंस आपको मेरे वीडियोज़ की मिलती रहे, एंड आप मेरी वीडियो कोई भी वीडियो मिस ना करें दोस्तों। तो मैं अपने चैनल पे इसी तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, शॉपिंग हॉल लेकर आती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।